सो हे गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर्स हम लोग लिखते हैं, तो जो कंप्यूटर है वो उसको कन्वर्ट कैसे करता है इनटू बाइनरी और भी बहुत सारी चीज़ों में, लाइक वो कैसे कन्वर्ट करता है। हम लोग सिंपली नंबर कन्वर्जन देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर, उसके अंदर जीरो और वन होता है। डेसिमल नंबर हम लोग के जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, वो सारे नंबर। ऑक्टल के अंदर जीरो टू सेवन नंबर ही होते हैं। फिर हेक्साडेसिमल के अंदर जीरो टू नाइन नंबर भी होते हैं, फिर ए बी सी डी भी होती है, ए टू एफ भी होता है। तो जो हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो इसको कन्वर्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग के इसके एक से दो दो से तीन पार्ट बनने वाले हैं। तो हम लोग एक बेसिक से जाएंगे और फिर इसके एडवांस पे भी जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर ले लेते हैं, और उससे पहले तो हम लोग मैं आपको ये बता दूँ ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले बाइनरी इज़ लाइक, उसमें जीरो और वन सिर्फ दो वैल्यू होती है, इसीलिए हम लोग उसका जो बेस लेते हैं वो लेते हैं टू। ये जो है बेस है, बेस यानी कि इसमें कितने नंबर है। तो ज़ीरो और वन यानी दो ही है, तो दो। ज़ीरो से नाइन, डेसिमल में ज़ीरो से नाइन होता है, इसका मतलब हो गया हमारे पास दस बेस है। दस कैसे, गिन लो, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हो गया। इसीलिए हम लोग के पास इसका टेन बेस है। ऑक्टल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आठ बेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो ज़ीरो टू सेवन है। ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हो गया। तो इसीलिए हम लोग का आठ होता है। हेक्साडेसिमल में सोलह होते हैं, क्यों करके ज़ीरो टू नाइन हो गया टेन, फिर इलेवन जो है, मतलब जो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन है, उसको हम लोग ए से एफ के बीच में गिनते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या मालूम है, अभी मैं हेक्साडेसिमल का एक बार बता दूँ। तो अगर मैं ज़ीरो टू नाइन लिख रहा हूँ, तो ये ज़ीरो टू नाइन है, इसके बाद मैं लाइक ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा लिखा हुआ है, फिर इसके बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, इस तरीके से सारे चीज़ें लाइक ज़ीरो टू फिफ्टीन है, लेकिन हमने क्या किया, टेन को बना दिया ए बी सी डी ई और एफ। इस तरीके से हम लोग ने टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन को चेंज कर दिया। तो अगर हम लोग कभी हेक्साडेसिमल की बात करें, उसके अंदर कभी ए बी सी ऐसा कुछ लिखा हो, तो समझ जाने का ए बी सी का मतलब लाइक ये होता है, ये नंबर्स होते हैं, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो इधर तक। इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं डेसिमल। तो अभी डेसिमल में देखो, हम लोग डेसिमल में अगर मैं कोई नंबर बताऊँ तो समझ लो, लाइक मैं लेता हूँ 153, चलो 153 ये एक नंबर है हमारे पास। इसको मैं एक तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, 100 प्लस 50 प्लस 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आइधर एक और एक चीज़ है मेरे पास, 1 × 10^2 प्लस 5 × 10^1 प्लस 3 × 10^0, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका आंसर भी लाइक 153 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने टेंस में डिवाइड कर लिया, तो लाइक हम लोग इस तरीके से भी चीज़ें लिख सकते हैं। आपको पता होगा हम लोग यूनिट टेंस हंड्रेड लिखते हैं, तो अगर यूनिट्स के लिए लिखना होता तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, टेंस के लिए ऐसा लिखते हैं, हंड्रेड के लिए ऐसा लिखते हैं, फिर थाउजेंड के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, फिर टेन थाउजेंड के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही कुछ हम लोग बाइनरी में भी जाते हैं। बाइनरी में हम लोग टेन की जगह सिर्फ टू हो जाता है। तो होता क्या है, हम लोग ने ये लिखा तो इसके 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, क्यों करके यहाँ पे 10 बेस है इसीलिए हम लोग ने 10 लिया हुआ है। यहाँ पे दो बेस है इसीलिए हम लोग ने 2 लिया हुआ है, ओके। बेस वैल्यू आप देख लो, 2 है इसलिए 2, यहाँ पे 10 है इसीलिए 10, ओके। अगर ऑक्टल होगा तो 8 लिख लेंगे, हेक्साडेसिमल होगा तो 16 लिख लेंगे, ओके। सो इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आ रहा आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट ओपन है हमारे हमेशा आपके लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं कन्वर्जन। अभी हम लोग नॉर्मली डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, ओके। और एक और एक चीज़, इसके हम लोग मैं वैल्यूज़ भी आपको लिख के बता दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2^0 होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, एंड लाइक गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन लाइक अल्टीमेट इन्फिनिटी तक जाता है ये। इसके आगे 32 भी आएगा, 64 भी आएगा, और भी आते रहेंगे। तो टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे चलता रहेगा, जैसे ये चलता रहेगा
यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ये भी आगे चलता रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन पे। आई होप इतना क्लियर होगा। और एक और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो ऑक्टल जो है वो 3-bit वैल्यू है, 3-bit, और जो हेक्सा है वो 4-bit है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बिट में उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो अगर जैसे कि समझ लो कि मेरे पास कोई बाइनरी है 1001011, तो ये है, इसको अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग है ना पैर में बना लेंगे, 3-3 पैर में, तो 3-3, और ये 2 है तो इसको हम लोग आगे 0 डाल सकते हैं। ओके, 2 है तो हम लोग आगे 0 डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को उसको कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, तो हम लोग 4-4 का पैर बनाएंगे, ये 4 और फिर ये 4, ये 0 की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इनफैक्ट अगर इसके पहले 1 आ गया तो इसके पहले मैं 0-0 और 2 डाल सकता हूँ, तो 0 में पहले ऐड कर सकता हूँ कितना भी चाहे, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 32 ले लेते हैं। ओके, एक 32 ले लिया, डेसिमल नंबर है ये, तो इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है 32, ओके, तो आपको सिर्फ देखना है कि 32 कहाँ है या फिर उसके लाइक सिमिलर नंबर कहाँ पे। तो अगर 32 है तो 32 यहाँ पे ले लिया, 32 अगर सेम नंबर मिल जाता है तो वहाँ पे आप लिख लो 1 और फिर उसके आगे 0 डाल दो, जितने भी है सबके लिए 0 डाल दो। ये सिंपल सा तरीका हो गया ये। अभी समझ लो सिमिलरली मेरे पास हो गया 17, तो 17 में मैं क्या करूँगा, ये ले लूँगा 1, लाइक एक यहाँ पे मैं 1 ले लूँगा, 17 अगर 17 नंबर है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 ले लूँगा, फिर 0 0 0 और 1, इस तरीके से हमारा 17 भी बन जाएगा। ओके, तो हम लोग ने 32 लिया, तो इस हिसाब से 1 0 0 0 0 0 1 और 5 बार 0 आया 32 की वैल्यू। और एक दूसरा तरीका है जो कि है हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और 2 हम लोग का जो बेस है वो 2 है, इसीलिए हम लोग ने 2 लिया बाइनरी के अंदर, तो 2 ले लिया। और इसका एक रिमाइंडर का एक कॉलम बना के रखना एकदम अच्छे से, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। तो 2 16 32, तो बचता है रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर कहाँ से है मालूम, देखो ये 32 है, 2 है, तो 2 16 32 0, तो ये 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, 16 जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे का। तो अभी ये तो कर लिया मैंने, इसको 16 ले लिया, इसको मैं 2 ले लेता हूँ वापस से। तो अभी 2 8 16, वापस से 0 आ गया, वापस 2 ले लेते हैं, 2 4 8, वापस 0 आ गया, फिर वापस 2 ले लेते हैं, तो 2 2 4 होता है, तो 2 2 4 होता है, तो लगभग आप समझ लो इसमें भी 0 ही आ गया। फिर इसके बाद वापस 2 ले गए, 2 1 2, तो वापस 0 आ गया। तो अभी ये चीज़ हो गई, इसमें मैं ले लूँगा ये नंबर इस तरीके से, तो क्या आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हमारा ये नंबर आ गया 1 0 0 0 0 0, तो ये आ गया। ये देख सकते हो ये वाला नंबर सेम है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 17 का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, और हाँ आपको ये नंबर भी इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ओके, सो ये चीज़ है, जहाँ जब भी इसमें 1 आ जाए लाइक बाइनरी होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ अगर 0 आता है तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ 1 आया 0 है, आपको ये नंबर इंक्लूड करके ही लेना है। अभी यही नंबर को अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये हो गया 32, इसको मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने 2 लिया था वहाँ पे मैं ले लूँगा 8, ऑक्टल है इसलिए 8, और अगर हमारा मैं इधर हेक्साडेसिमल का भी लिख के रख लेता हूँ, हेक्साडेसिमल है तो इसके लिए हम लोग 16 ले गए, सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। तो 8 4 हम लोग हो जाता है, 8 4 32 होता है, तो 0 बचता है, तो लाइक अल्टीमेटली इसमें कुछ बचता नहीं, तो हम लोग के पास बच गया 40 40, तो यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, मैं चलो इसका 40 भी ले लेते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ ये इसका भी कर लेता हूँ, तो 16 2 और ये 0 बचता है, तो इसका 20, तो 40 और 20, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ बाइनरी 2, ये आपको दिख रहा हो, ये है बाइनरी, हम लोग ने लिया बाइनरी में 2 लिखते हैं हम लोग, ये इक्वल है
32 ऑफ डेसिमल से, फिर ये जो इक्वल है वो है 40 ऑफ ऑक्टल से, और फिर वो इक्वल है 20 ऑफ हेक्सागोनल से, तो ये समझ में आ रहा है, ये तीनों इक्वल है। तो अभी बोलोगे यार ये कैसे इक्वल है यार, तीनों में हम लोग नहीं किया। तो अभी ये जो नंबर है हम लोग सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना देखते हैं। तो 32, 40 और 20 सबको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का एक तरीका है इसका, तो हम लोग देखो यहाँ पे 32 का तो हम लोग ने बाइनरी निकाला था, 32 का आया था ये वाला बाइनरी, तो हम लोग सिंपली इसको यहीं पे लिख ले गए। पाँच जीरो थे इसके अंदर, पाँच जीरो थे तो मैंने पाँच जीरो ले लिया, तो हम लोग ने 32 का तो निकाला था। 32 टेंस इक्वल टू, तो हम लोग ने ये तो निकाला था, हम लोग को अभी निकालना है 48 जा, इसको मेरे को बाइनरी में डालना है। तो आंसर यही आना चाहिए, ओके बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो अल्टीमेटली यही आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग टू वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों करके देखो, यहाँ पे अगर मैं ये टू डाल दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एट है, अगर टेंस का प्लेस होता जैसे कि ये हम लोग का टेंस वाला है, जो 32 है वो टेन के आता है, तो उसके हम लोग उससे डेसिमल से हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डेसिमल टू ऑक्टल पॉसिबल है, डेसिमल टू हेक्सागोनल पॉसिबल है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ऑक्टागोनल डेसिमल टू बाइनरी भी पॉसिबल है, लेकिन ऑक्टागोनल टू डेसिमल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका उल्टा हम लोग को नहीं करना, मतलब इतना ईजी नहीं होता है, हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे इसको इसमें कन्वर्ट करने का, लेकिन जो ईजी तरीका वो देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हार्ड तरीका होता है वो हम लोग स्किप कर देंगे। तो ये चीज़ है, अभी इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। टेक्निकली आई नो इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ये कैसे होगा, तो मैंने एक चीज़ बताया था, हम लोग का ये जो है ये 3 बिट है ऑक्टल, तो ऑक्टल 3 बिट है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ने ये जो लाइन बनाई थी यहाँ पे, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन, इसके अंदर हम लोग सिर्फ 3 बिट ले गए, पहले 3 2 2 2 मतलब 2 रेस टू 2 2 रेस टू 1 2 रेस टू 0, सिर्फ 3 ले गए, अगर 3 बिट है तो सिर्फ 3 ले गए, तो 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1 2 रेस टू 2, सिर्फ इतना ही ले गए ऑक्टल के अंदर। अगर हेक्सागोनल होता तो हम लोग 2 रेस टू 3 भी लेते थे। तो ये चीज़ हो गई। और एक और एक चीज़, ऑक्टागोनल जब भी होगा ना तो इसके अंदर ये जो नंबर है 4 0 5 0 ये सब आ सकता है, लेकिन 8 और 9 इधर पे कहीं पे भी 8 9 नहीं आ सकता, 7 तक आ सकता है, 8 9 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज से इसके अंदर 0 to 7 नंबर आ सकते हैं, अगर 8 आ गया तो भाई वो ऑक्टागोनल नहीं है। तो सिमिलरली अभी देखो, अभी इसको मेरे को एक एक बोल सकते हैं, एक एक करके लेना होगा, 4 0 ऐसे दो है ना, तो 4 0 ऐसे करके लेंगे, तो मेरे को, मैं अगर 4 लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को 4 चाहिए, तो इसका जो वैल्यू जो आता है वो आता है 4, और ये जो है वो आता है 2, और ये आता है 1, तो मेरे को ये करना है, इसका क्या करूँगा मैं, हम लोग ने ऊपर देखा था क्या किया था, 100 तो ये आ गया 100, इसको मैंने सिर्फ ऑन रखा है, बाकी को 0 कर दिया, तो इस तरीके से हम लोग का 100 आ गया, 4 के लिए कर लिया, सिमिलरली 0 के लिए, 0 के लिए तीनों ही ऑफ कर दो, तीनों ऑफ कर दिया, तो 100000 आ गया आंसर, ये और ये इक्वल है ना। इसके बाद 40 का हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ने अभी ऊपर 40 भी देखा था, सॉरी 20 देखा था, 20 रेस टू 16, इसका 16 का देखा था, अभी इसका ही हम लोग को सेम करना है, 4 बिट लेके यहाँ पे हम लोग ने 2 रेस टू 0 2 रेस टू 1 2 रेस टू 2 तीन लिया था, यहाँ पे 4 होगा, तो अभी इसको हम लोग को इस तरीके से लें, तो अभी एक एक नंबर लेके 2 और 0 ऐसा है, तो अभी 2 लेना है तो मेरे को 2 लेना है, तो 2 आता है यहाँ पे, मैं इसको 1 ले लेता हूँ, 2 4 8 इस तरीके से, तो अगर मेरे को 2 का लेना है तो होगा क्या मालूम है, इसको मैं 1 करूँगा, बाकी का 0 कर दूँगा, और चारों 0 होगा, प्योर के हम लोग का 0 है यहाँ पे, तो 0 का 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आया आंसर, 0 0 1 0 0 0 0, तो मैंने 4 4 के पैर में बना दिया इसको, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर वही आ रहा है, सॉरी एक कम हो गया, अल्टीमेटली ये जो आंसर है वही आ रहा है, 1 और 5 0 1 और 5 0 1 और 5 0। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो, आपने सबसे बाइनरी करना सीख लिया, ऑक्टागोनल से बाइनरी सीख लिया, हेक्सागोनल से बाइनरी सीख लिया, और तो और डेसिमल से भी बाइनरी सीख लिया। अभी इसको अगर उल्टा करना है, मेरे को डेसिमल टू बाइनरी करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है,
तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा देख लेते हैं इसको भी। एक रैंडम सा मैं बाइनरी बना देता हूँ, इमेजिनरी 1101, एक रैंडम सा मैंने बनाया। तो ये है, इसको मेरे को करना है। तो आइदर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वो ले लूँ, वो हम लोग का ऊपर लिया था ना हम लोग ने, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इस तरीके से बनाऊँगा। इसमें मैं नंबर डाल दूँगा और यहाँ पे इसका 1 आता है, 2, 4, 8 और 16। तो जो जो ऑन है इसको मैं ले लूँगा, एक वो नंबर ले लूँगा 8 + 4, फिर ये 0 है लाइक ऑफ है तो इसका ये नहीं लेंगे, फिर प्लस 1, तो ये आता है 13, इसका आंसर आता है 13। ओके, इतना क्लियर है आपको? ये हम लोग डेसिमल टू बाइनरी सीख रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। इस तरीके से एक और एक तरीका होता है जो कि है, मैं सिंपली एक चीज़ कर सकता हूँ, 1101, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 कर दो, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 कर दो। अभी जो भी नंबर है जैसे कि ये है, इसके आगे के कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है तो इसमें 2 power 3 कर दो। यहाँ पे 2 है तो 2 कर दो, यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0 कर दो, यहाँ पे 1 है तो 1 कर दो, सिंपल। और 0 है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा सकते हो आप, फिर सिंपली प्लस कर दो, आंसर जो है वो आएगा 13। तो एक ये तरीका भी है, एक वो तरीका भी है। तो आपने अब तक क्या सीख लिया? अब तक आप लोगों ने सीख लिया डेसिमल टू बाइनरी, ये जो है ना, ये बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल ये, तो डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया, बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया आपने, फिर ऑक्टागोनल टू बाइनरी सीख लिया, हेक्सागोनल टू बाइनरी सीख लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें सीख ली, तो इतना तो समझ में आ ही गया, सॉरी ये चीज़ होगी। इसके अलावा एक और एक चीज़ सीखी हमने के मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि है, हम लोग ने डेसिमल टू ऑक्टागोनल, डेसिमल टू हेक्सागोनल, ये चीज़ भी सीख ली हम लोग ने। तो इतनी चीज़ें सीख ली। तो अभी अगर आपको कोई चीज़ बताई जाए, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि लेट से 10 को आप 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तो आप कर लोगे, 100 को कर लो तो भी आप कर लोगे, तो लाइक टेक्निकली आप कर सकते हो। और अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि आप E1 को कर लो तो E1 को भी आप कर लोगे। E1 क्या होगा मालूम है? ये हेक्सागोनल वैल्यू होता है E1, तो हेक्सागोनल का E का वैल्यू क्या था हम लोग ने देखा था, A का 10 था, B का 11 था, 12 का C था, 13 का E था, 13 का D था, 14 का E था, 14 तो 141 ये नंबर होता है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली ये जो 14 है उसको एक साथ लोगे और जो हम लोग के ये जो नंबर है, ये जो बाइनरी ये जो था, तो 14 कहाँ आएगा, 8 + 4 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12 और 14, तो ये तीनों को ऑन करोगे 1110, तो इस तरीके से हमारा 14 आ जाएगा और फिर 1 के लिए 1 आ जाएगा, फिर 0001, तो हमारा जो 141 का जो बाइनरी होगा वो लगभग होगा 1110 ये होगा, तो 141 का ये हो जाएगा बाइनरी। आप देख लेना गूगल करके, आपको गलत लगता है तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, इस नंबर को डेसिमल में, इसको सबसे पहले आप करोगे बाइनरी में कन्वर्ट, ये जो बाइनरी था इसमें, फिर इस बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, यानी कि अगर हेक्सागोनल टू डेसिमल करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको हेक्सागोनल, चलो ऑक्टा, हेक्सागोनल टू ऑक्टा H2O करना है तो आप कैसे करोगे मालूम है, सबसे पहले H2 बाइनरी करोगे, फिर उसको आप ऑक्टागोनल में कर सकते हो। ओके, ऑक्टागोनल में कैसे करना है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अगर जैसे कि समझ लो ये बाइनरी है, ओके हम लोग ने हेक्सागोनल का ये बाइनरी कुछ निकाला, इसको मेरे को ऑक्टागोनल करना है, तो मैं 3-3 का पैर बना लूँगा, 1 2 3 1 2 3 1 2, इसमें एक 0 ऐड कर सकते हो आप, तो ये 3 बन गया। तो हमारा लाइक इसमें आप जो भी नंबर आता है, जैसे कि
ऑक्टागोनल में क्या आता है मालूम है, इसका वन टू और वन टू और क्या था यार, वन टू और फोर। तो आप वन टू फोर जो है ये, जैसे कि मैं ये देखता हूँ आपको, तो जहाँ पे लाइक मैं इसको ना पीछे ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी बेटर समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका नंबर ले लेता हूँ, तो देखो ये ज़ीरो मैंने ऐड किया है सबसे पहले, तो ये जान लो इसको मेरे को अगर ऑक्टागोनल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, तो इसको तीन तीन का पैर बना लूँगा। ये ज़ीरो मैंने ऐड किया, ये याद रखना। तो ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अभी हमारा जो ऑक्टागोनल के लिए हम लोग थ्री वैल्यूज करते हैं, तो वो होता है फोर टू वन, ओके फोर टू वन होता है। तो पहले वाले के लिए हम लोग जीरो जीरो वन ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली इसका वन ही आता है, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा वन। फिर सेकेंड के लिए वन जीरो ज़ीरो है, तो फोर, तो ये हो जाएगा फोर। फिर इधर पे है टू प्लस वन, तो ये होगा थ्री। लाइक ये जो है ना हम लोग इंडिविजुअली लेंगे, तो इसका जो आता है वो आता है वन, फिर वन जीरो ज़ीरो का आता है फोर, फिर ज़ीरो वन वन का आता है थ्री। तो इस तरीके से हम लोग ने 341 निकाला। तो इस तरीके से आपको निकालना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम विथ हेक्सागोनल ऑल्सो। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग ने बहुत सारे कन्वर्जन सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कन्वर्जन सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो सीखे वो हम लोग रिवाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हमारे पास बी सी डी है, वंस कंपोनेंट, टूस कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें, तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको इसके कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लाइक कर देना, एंड बाय बाय।